दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 5 सेक्स डिटर्मिनेशन से जुड़े हुए एमसीक्यू लेकर आया हूं। और बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन मोस्ट लाइफ फॉर्म कैन हैव, यानी कि जीवों में सबसे अधिक सेक्स डिटर्मिनेशन किस आधार पर किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रोमोसोमल बेसिस, सेकंड है जेनेटिक बेसिस, थर्ड है इन्वायरमेंटल बेसिस और लास्ट है ऑल ऑफ द एबव। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट इज बेस्ड ऑन, तो कीटों में सेक्स डिटर्मिनेशन किस आधार पर किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, क्रोमोसोमल डिफरेंशिएशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट इज बेस्ड ऑन, यानी कि आपको बताना है कि जो इंसेक्ट में क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसका पैटर्न कैसा होता है। तो आपको बता दें कि जो इंसेक्ट होते हैं उसमें मेल में जनरली हैप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं, तो इसके लिए जो क्रोमोसोमल पैटर्न होता है वो होता है एक्स 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 नॉट क्रोमोसोमल मॉडल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द जीनिक बैलेंस सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, तो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो जीनिक बैलेंस सिस्टम है वो देखा गया था ड्रोसोफिला में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन लाइफ फॉर्म विथ द एक्स 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 वाई क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन द फीमेल आर, तो जब आप क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में एक्स एक्स और एक्स वाई देखेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं जो एक्स एक्स है ये फीमेल के लिए है, ये एक ही तरह के गैमिट बनाएंगे। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है होमोगैमेटिक, और इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन आपको मानव के केस में देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एक्स 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 नॉट क्रोमोजोमल बेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रीडोमिनेंट इन, यानी कि फीमेल एक्स एक्स और मेल एक्स नॉट क्रोमोजोमल जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो आपको सबसे अधिक किस में देखने को मिलता है। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन आपको इंसेक्ट में देखने को मिलता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, द होमोलॉगस रीजन ऑफ द एक्स एंड वाई क्रोमोजोम आर नोन एज, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम में एक जैसा होमोलॉगस जो रीजन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन लाइफ फॉर्म विद द जेड 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 डब्ल्यू क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन द फीमेल्स आर, आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है होमोगैमेटिक, दूसरा है हेट्रोगैमेटिक, तीसरा है माइक्रोगैमेटिक और लास्ट है मोनोसियस। तो जेड 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 डब्ल्यू क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन ये जनरली आपको बर्ड में देखने को मिलेगा, और इसमें जो फीमेल होती हैं वो हेट्रोगैमेटिक होती है यानी कि जेड डब्ल्यू होती हैं, यानी कि इनके क्रोमोसोम से जो गैमिट का फॉर्मेशन करता है वो जेड और डब्ल्यू करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ह्यूमेंस द जीन फॉर मेल सेक्स डिटर्मिनेशन इज, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव में कौन सा जीन मेल सेक्स को डिटरमाइन करता है। आपके ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है एस आर वाई जीन ये सही है। तो एस आर वाई जीन वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है जो कि डिटरमाइन करता है मेल सेक्स को। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ड्रोसोफिला द एक्स एंड ए रेशियो, ए रेशियो का मतलब यहाँ पे ऑटोसोमल है, तो ऑटोसोमल रेशियो दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए मेल फ्लाई इज, आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 0.5 और लास्ट ऑप्शन है 0.25। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 0.5। तो ड्रोसोफिला में एक्स क्रोमोसोम और ऑटो क्रोमोसोम का जो रेशियो होता है वो होता है 0.5। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन लाइफ फॉर्म विद द जेड 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 डब्ल्यू क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन द फीमेल्स हैव, तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन जनरली आपको बर्ड में दिखने को मिलता है, और जो बर्ड में जो फीमेल होती है वो हेट्रो गैमेटिक होती है, और इसमें जो पाया जाएगा वो होगा जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द कंडीशन ऑफ फ्री मार्टिन इज ऑब्जर्व इन, तो हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन के थ्रू आपको फ्री मार्टिन कंडीशन देखने को मिलेगा, जनरली ये आपको कैटल में दिखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, गोट और सिप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन मेल इज डिटरमाइंड बाय, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव में जो मेल आइडेंटिटी है वो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है।
आपके ऑप्शन है सेक्स क्रोमोसोम, सेल ऑर्गेनेल्स, ऑटोसोम्स, न्यूक्लियोलस। तो आपका जो राइट ऑप्शन ए है सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होता है और इसी से पता चलता है कि वह मेल है या फिर फीमेल है। क्वेश्चन नंबर 14 है सेक्स डिटर्मिनेशन वॉज फर्स्ट स्टडी इन। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ था वो सबसे पहले पौधों में मेलेंड्रियम प्लांट में हुआ था। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 15 है इन लाइफ फॉर्म विद द एक्स 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 वाई क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन द मेल्स आर। तो आपको बताना है कि एक्स 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 वाई क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल कैसे होते हैं, होमोगैमेटिक होते हैं, हेट्रोगैमेटिक होते हैं, माइक्रोगैमेटिक होते हैं या फिर मोनोसियस होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर सन टू ए कपल इज, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी दंपत्ति को यदि चार लड़के हों तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1/16। अरे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है इन ड्रोसोफिला द मेल जीन आर लोकेटेड ऑन द। तो ड्रोसोफिला में जो मेल जीन होता है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो ड्रोसोफिला के केस में जो मेल जीन होता है वो ऑटोसोम्स पर पाया जाता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 17 है द एक्स एंड ऑटोसोमल रेशियो ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, यानी कि एक्स और ऑटोसोम टाइप का जो रेशियो वाला सेक्स डिटर्मिनेशन है आपको किस में देखने को मिलता है। तो ये देखने को मिलता है ड्रोसोफिला केस में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हेन एन एनिमल हैज़ बोथ द कैरेक्टर ऑफ मेल एंड फीमेल इट इज़ कॉल्ड। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा एनिमल जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे। आपके ऑप्शन है सुपर फीमेल, दूसरा ऑप्शन है सुपर मेल, थर्ड है इंटरसेक्स और लास्ट है गाइनेंड्रोमॉर्फ। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी गाइनेंड्रोमॉर्फ। अरे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है ए फीमेल विथ फोर टाइम एक्स क्रोमोजोम विल हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ बार बॉडीज, यानी कि एक फीमेल में 4x क्रोमोजोम है तो ये बताइए कि उसमें बार बॉडी की संख्या कितनी होगी। तो यदि फीमेल बार बॉडी का नंबर ज्ञात करना होता है तो जितने नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम है उसमें से हम -1 कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम है तो इसमें से आप -1 कर दोगे तो आएगा 3। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है 3। आए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है द क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर कॉल्ड। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ऑटोसोम्स, दूसरा है एलोसोम्स, थर्ड है मल्टीपल एलील और लास्ट है हेट्रोसोम्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है एलोसोम्स। तो आपको बता दें कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन में यूज़ होता है क्रोमोसोम उसे हम जनरली सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं और आप जनरली सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्हें हम एलोसोम्स या फिर हेट्रोसोम भी कहते हैं। तो आप ये ऑप्शन भी याद रखिएगा क्योंकि इन ऑप्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है द बार बॉडी इज ऑब्जर्व इन। तो आपको बताना है कि बार बॉडी खोजा गया था। फर्स्ट ऑप्शन है बेसोफिल ऑफ मेल्स, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स ऑफ फीमेल्स, थर्ड ऑप्शन है ओशिनोफिल्स और लास्ट ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स ऑफ मेल। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है न्यूट्रोफिल्स ऑफ फीमेल्स। क्वेश्चन नंबर 24 है म्यूल इज एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ, यानी कि खच्चर किसकी संतान है। तो आपके जो राइट ऑप्शन है मैं सीधे राइट ऑप्शन बताता हूँ ऑप्शन सी है मेल एस एंड मेयर, यानी कि खच्चर का जो पिता होता है वो होता है नर गधा और जो माता होती है वो होती है घोड़ी। आए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है द सेक्स इन ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर इज डिटरमाइंड बाई, यानी कि ड्रोसोफिला की एक जाति मिलेनोगेस्टर में सेक्स को कैसे डिटरमाइन किया गया है। तो आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है एक्स क्रोमोसोम, दूसरा है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, थर्ड ऑप्शन है ऑटोसोम्स और लास्ट ऑप्शन है एक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम्स। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है मेल चाइल्ड विल बी बोर्न इफ़, यानी कि नर बच्चा होगा यदि। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि मेल का जो वाई क्रोमोसोम है अगर वह एग से फर्टिलाइज होता है तभी मेल बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है स्पर्म ऑफ मेल विथ वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रपोज्ड बाई, यानी कि लिंग निर्धारण का जीन बैलेंस जो थ्योरी है वह किसने दिया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आपका फर्स्ट ऑप्शन है मॉर्गन, सेकंड ऑप्शन है ब्रिटगेज, थर्ड ऑप्शन है बोवेरी और लास्ट ऑप्शन है विल्किंस। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है ब्रिटगेज। ब्रिटगेज ने ही जीन बैलेंस थ्योरी दिया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन पर आधारित था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।